आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन smartfinancein.com से ये वीडियो बना रहा हूं। आज के सब्जेक्ट में जाने से पहले आप सबको दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली इसमें हम लोग दिया जलाते हैं जो लाइट को सिंबलाइज करता है, अंधेरा को हटा के लाइट को सिंबलाइज करता है। एंड ये लाइट कोई दूसरा लाइट नहीं, ये है लाइट ऑफ विजडम, हमारा प्रज्ञा, हमारा सक्सेस। एंड यहाँ पे हम धन का देवता जो है उनका उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी का उपासना करते हैं। एंड इसी तरह से ये प्रॉस्पेरिटी का उपासना है। आप सबको दिवाली के बहुत बहुत हार्दिक बधाई एंड शुभकामनाएं। एंड स्मार्ट फाइनेंस के परिवार के तरफ से, स्टाफ लोगों के तरफ से, मैं रंजन आप सबको ये शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान के एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें ज्ञान का जो वाइब्रेशन नंबर है इसका इतना बढ़िया सक्सेस आ रहा है। जो लोग इसको सुबह में यूज करते हैं इनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। इसी के बारे में आज देखेंगे। ये जो हमारा स्मार्ट एनालिसिस टूल है इसमें ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर, इंट्राडे वाइब्रेशन नंबर का कैलकुलेशन आता है। तो आज का दिन में जो भी निफ्टी फ्यूचर का मूवमेंट रहा, आप अगर देखेंगे ये जो निफ्टी फ्यूचर का मूवमेंट रहा आज, तो अगर देखेंगे तो ये कैसे दिखता है। पहला जो निफ्टी फ्यूचर्स का जो मूवमेंट हुआ वो 1 बजे के आसपास में ये निफ्टी फ्यूचर जो है हमारा कोई हाई एक हाई में गया। एंड वो जो हाई फ्यूचर्स गया एंड ये था लगभग 26,520 के आसपास। तो 26,520 के आसपास में ये हाई बना एंड हाई के बाद में ये फिर से नीचे गिरा एंड कोई एक सपोर्ट में 366 के आसपास का सपोर्ट में ये जो है ये क्लोज हुआ आज के दिन में। तो आज का ये जो एक्टिविटीज बना इसको थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये 26,427 रुपया 95 पैसा या 26,428 में खुला, हाई गया 26,520, ये 1 बजे के आसपास में गया एंड लो जो हुआ उसके बाद में हुआ एंड एंड में 26,367 में क्लोज हो रहा है, 110 पॉइंट का नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। एंड कल जो है एक्सपायरी है, उसके बाद में हमारा जो है 1 तारीख को जो होगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। तो ये है 514-15 जो भी दिखा रहा है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे ये हुआ था लगभग आपको 1 बजे के आसपास में, 1 o'clock 2 minute 3 minute में आया था। उसके पहले कुछ लो बना कुछ हाई बना ऐसे चला एंड ये जो लो बना ये हाई के बाद में बना, यानी कि जो लोएस्ट ऑफ द डे हुआ ये अराउंड 2:15-20 के आसपास में ये बना। ये सारे एक्टिविटीज आपको अभी आप देख लीजिए। तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन के तरफ में जाते हैं, जो हाईज बना जो लोज बना तो इसका क्या संबंध है ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर से। ज्ञान का तो बहुत सारा मेथड हम दे रखे हैं, इंट्राडे टेट्राहेड्रन भी है, जीएवी भी है, ज्ञान एंगल वोलाटिलिटी भी है, नेचुरल कांस्टेंट का मेथड भी है, ये सारे तो है ही, इसका तो वैलिडिटी है ही। एंड इसमें समरी सेक्शन भी दिया गया है कौन कितना। तो वाइब्रेशन नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को दर्शाता है। आप लोगों ने अभी अभी देखा कि जब खुला 26,427 में खुला, उसके बाद में कुछ लोज बने 368 के आसपास में लोज बने, कुछ हाईज बने, उसके बाद में फिर से डाउन ट्रेंड जाके 315 का एक हाई लो बना, 26,520 का एक हाई भी बना। ये हाई जो बना 1 बजे के आसपास में बना। अगर हम ये तो फ्रेश लो है, उससे पहले 368 लो ही था। अगर इसी लो को हम पकड़ते हैं तो हमारा क्लोजिंग कहाँ हुआ,
26,366 रुपया 90 पैसा में। ये कैलकुलेशन को थोड़ा देख लो, 30 डिग्री का कैलकुलेशन है, 66 रुपया, 26,366 रुपया 96 पैसा तो 90 में ही क्लोज हुआ है, 6 पैसा में ही नहीं। यहाँ पे 26,392.98 ये आपका एक वाइब्रेशन नंबर है। इसी के ऊपर में आप अगर देखोगे, ये इसी के नीचे में 26,000 जो 392.98 ये जो है ये वाइब्रेशन नंबर है, इसी के नीचे में क्लोज हुआ लो बनने के बाद। इसी लो से अगर आप हाई का डे का हाई का आप अंदाजा लगाओगे, डे का हाई था 26,520, 523 में आपका एक वाइब्रेशन नंबर बैठा हुआ। तो यही था आपका जो वाइब्रेशन नंबर फ्रॉम द लो, बट इसको हम अभी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जो लो बना ये बना 2:30 बजे के आसपास में, 2:15 बजे में। उससे पहले जो लो था उससे जो मैपिंग होता था वो भी परफेक्ट ही था। तो अभी ये जो हाई बना है, जो 1 बजे के आसपास में ये हाई बना है, 1 o'clock के आसपास में 26,500 का 20 520 का हाई बना, उसके बाद में ये जो लो क्रिएट हुआ 2:30 बजे के आसपास में, क्या इसमें कोई संबंध है? क्या हमारा कैलकुलेशन इसको दर्शाता है? तो जो पहले आवर का 1 o'clock के बिफर का जो लो था वो तो हमारे हाथ से हट गया। अभी इस कैलकुलेशन को परखने के लिए हमारे पास में एक उपाय है, 1 बजे ये हाई बना 1 o'clock को, एंड ये जो लो बना ये 2:15 के आसपास में बना, 1 घंटा, ये हाई बनने का 1 घंटा 15 मिनट के बाद में ही बना है। तो देखते हैं ये जो डाउन ट्रेंड सपोर्ट है ये आता है हाई से ही हम कंप्यूट करते हैं, तो हाई से कंप्यूट करते हैं तो हमारा क्या निकला था, जो लो हुआ वो क्या बना, 26,314 रुपया, यही तो बना, 314 यही बना। ये देख लेते हो, 26,314.95 15 315 315। तो देखो कहाँ से ये आता है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन 120 डिग्री का था, 312 315 तक आया, यहीं से रिवर्सल्स दिए। एंड इसका नजदीक वाला जो वाइब्रेशन नंबर था, तो टफेस्ट सपोर्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वो क्या था, 26,286 रुपया। तो यहाँ पे सपोर्ट को देख के ऊपर चला गया। उसके बाद में इसका क्लोजिंग होता है 26,366 रुपया 90 पैसा, ये भी 90 डिग्री का कैलकुलेशन जो है ये 64 64 रुपया में पड़ा हुआ है, 389 में एक हमारा वाइब्रेशन नंबर बैठा हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। एंड इस सपोर्ट से मूव होने के बाद में ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, इस लो से ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, एंड ये भी ऊपर से गिरने के टाइम में ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट भी है। क्लोजिंग भी हो रहा है कहां पे, देखो 2 रुपया का डेविएशन। तो इसी तरह से अगर आप सुबह का 9:30 9:45 को ये वाइब्रेशन नंबर का कैलकुलेशन निकालते हो एंड इसको दिन भर आप फॉलो करते हो, थोड़ा इमेजिन करो किस तरह से ये आपको सक्सेस देगा। इतने जितने भी सक्सेस, इतने जो भी रेजिस्टेंसेस है, जो भी सपोर्ट कैलकुलेशन हुआ है, उसमें से वाइब्रेशन नंबर को मैप करने वाले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके लिए प्राइम होते हैं। वो नहीं हो के उससे जो पहले वाला सपोर्ट होगा उसके बाद वाला जो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा वो भी हो सकते हैं। तो वही हो रहा है मार्केट में, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, मेरे को सबको अपील है, आप में से जितने भी सॉफ्टवेयर बायर्स ये कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, इंट्रा डे में, मंथली भी है यहाँ पे, तो मंथली में अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में लिखो, सो बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ इस मेथड से कुछ हो सकता है, हम सही मायने में कुछ फोरकास्टिंग कर सकते हैं। एंड ये कोई सीक्रेट वाला मेथड नहीं है, कोर्स में बारीकी से मैंने दिया है कैसे इसको कैलकुलेशन करना है, कोर्स में भी दिया है इसको मैंने, जो हमारा
YouTube चैनल में आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे फ्री में भी वो वीडियो डाला गया है, ये सॉफ्टवेयर में भी वही डाला गया है। तो इसी तरह से जब आप अपना काम करते हो, यानी कि आप जब उसी तरह से अपना जजमेंट प्रोसेस लेते हो, तो देखो कि आपको कितना बढ़िया सक्सेस मिलेगा अपने ट्रेड। यही होता है कि हम लोग कोई भी सही टेक्निक अपना एनालिसिस में लेते ही नहीं है। हमारा फेल्योरी का एक ही कारण है, हम वीडियो देख लेते हैं, हजारों का वीडियो देख लेते हैं, हर वक्त यही ढूंढते रहते हैं कहीं पे एक शॉर्टकट मिल जाएगा, एक रुपया 50 रुपया बन जाएगा। ऐसे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अभी से समझ जाओ, नहीं तो बाद में समझो। इसी ज्ञान के ऊपर में जो अगला मेरा वेबिनार रहेगा, ये आएगा 16 नवंबर को शुरू होगा, 16, 17, 23, 24 एंड एक लाइव सेशन रहेगा। यहाँ पे एडवांस ज्ञान टॉपिक लिया जाएगा। ये एडवांस ज्ञान टॉपिक में क्या क्या लिया जाएगा? ज्ञान एंगल प्रिंसिपल इंट्राडे में कैसे यूज करें, वही ज्ञान एंगल स्टडी को चैट जीपीटी में कैसे यूज करें, 6 स्क्वायर ऑफ 9 व्हील को कैसे यूज करें, टेट्राहेड्रन को कैसे आप यूज करें, हेक्सागन, साइकिल्स, ज्ञान ट्राइंगल एंड जीरो एंगल्स का, ये सारे टेक्निक्स आपको लिया जाएगा। एक लाइव सेशन भी रहेगा, इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट भी लिया जाएगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ज्ञान के फॉर्मूला एंड अदर थिंग्स अगर पता नहीं है, तो आप कोर्स ले लीजिए, कोर्स से ही पढ़िए। क्योंकि अगर आपको ये जो बेसिक फॉर्मूलेज पता नहीं है, एडवांस कॉन्सेप्ट आपका कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को के लिए कोर्स में बेसिक से एडवांस सब दिया गया है। अगर आपको बेसिक पता नहीं है, पहले कोर्स लेके कोर्स का रिकॉर्डेड कोर्स का कंप्लीट कर दीजिए, सीख लीजिए। बाद में जब इसी तरह सा एडवांस प्रोग्राम्स रिपीट किया जाएगा, उस टाइम पे आप अपने आप को एनरोल करके वो एडवांस कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये जो ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर मैंने बताया, ये इसका सक्सेस सिर्फ आप जब यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। ये एक बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें वाइब्रेशन नंबर का इतना रोल रहता है मार्केट में, अगर माना जाए तो वाइब्रेशन नंबर के बिना मार्केट तो चलेगा ही नहीं, इस तरह का इसका इंपॉर्टेंस है। इसको आप सीख सकते हो, ये कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है, कोर्स में दिया गया है। एंड अगर सीखे हो, इसको यूज करना शुरू करो, इसमें से बहुत फायदा मिलने वाला है आप। तो इस वीडियो को फिर एक बार आप सबको दिवाली के शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं इसी तरह का वैलिड चीज को सीख के काम पे लगा के अगले दिवाली तक आपके पास में बहुत सारे पैसा आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।